सीढ़ी तो उन लोगों ने ब्लॉक कर दिया है, तो सीढ़ी से नहीं जा पाऊंगा, तो मैं भी एक ट्रिक लगा के जाऊंगा। नमस्कार भाभियों, एक बार फिर से तुम लोगों का स्वागत है बहुत दिनों के बाद शक्कर से भी ज्यादा मीठा और हरी मिर्च से भी ज्यादा तीखा BGMI की गेम प्ले में। क्या बात है, बहुत दिनों के बाद आया हूँ, इसलिए बहुत ज्यादा गुस्सा में हूँ दोस्तों। जो भी बंदा मुझे दिखेगा चीर फाड़ कर डालूंगा। फिलहाल पूरे मैप को छोड़ के मैं आया हूँ इस कुकुर मुत्ता जगह में। क्या बोला तुम? बंदे उधर की तरफ आते हैं इसलिए मैं गन लेने इधर आ गया। गन लेके उनके पास ही जाऊंगा, लेकिन इस घर को देखो कैसे लाल लाल दिख रहा है। लगता है लड़कियों की संगत में आ गया ये घर, लिपस्टिक लगाने लग गया। अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। कोने में लूट करने के बाद चलते हैं बंदे मारने, और इसमें मैं घिसड़ते हुए जा रहा हूँ और बहुत मजा आ रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे मैं मियां खलीफा के जांघों में घिसड़ रहा हूँ। रहा नहीं जाता। फलाना यहाँ पर अकेले फंसा हुआ है, उसका हाथ बटाने के लिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। दोनों मिलकर बंदों की कचुम्बर बना देंगे, और जस्ट मेरे सामने ही बंदा है। रोम रोम भाइयों। अब इस बंदे को लग रहा है इसको किसी ने नहीं देखा, लेकिन मैंने तो देखा है क्योंकि चील की आंखें हैं मेरे पास। अब यहाँ की सिचुएशन को तुम समझो, एक बंदे को मैंने मार दिया अकेले समझ के, लेकिन इसके फुट स्टेप देखो, इसके बंदों की कितने सारे फुट स्टेप आ रहे हैं। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। बाकियों को तो मेरा फलाना निपटा देता है, और एक बंदा ना इधर की तरफ छुप के भागने वाला था, तो मैं यहाँ पे आके TPP लेने लगता हूँ। और जैसे वो बंदा आता है, और ये एक अकेला बंदा मुझे मारने का बहुत टाइम से कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने इसको टट्टी से लथपथ लथपथ अग्निपथ कर दिया। अब तुम लोग कह रहे होंगे अबे क्या घिनौनी घिनौनी बातें कर रहा है। अरे भाई वो येलो इफेक्ट रखते हैं ना, तो जब बंदे को मारते हैं तो साला पीला पीला निकलता है, तो मेरे दिमाग में वही आ गया। खैर दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा और घिसड़ विसड़ के हम मजे करने लगते हैं, यहाँ पे छत वत में चढ़ने लगते हैं, तभी मुझे एक फुट स्टेप आती है। अब ये तो थे KD वाले प्रभु, जिनको मार के हमने अपना KD थोड़ा 50-60 का कर लिया। अब इसको मारने के बाद यहाँ रुकने का कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ तो कोई भी नहीं है। और देखो आसमान में विमल थूकने का चालू हो गया, अगर विमल थूक मेरे ऊपर पड़ गया तो केसर से नहा लूंगा, इसीलिए भागते हैं। क्या बोलता है, कुछ भी बोलता है, व्हाट मैन। अब ये रेनडियर लेके हम सीधा निकल लेते हैं, तभी ना अपने को पता चलता है कि यहाँ पर बंदे हैं। कहाँ पे पता है? ये ब्रिज से आ रहा है एक बंदा, वो भी बग्गी लेके, और मेरा फलाना देखो। अरे भाई अब इधर से कहाँ खिसकू, राइट में बंदा, लेफ्ट में बंदा, थोड़ा और खिसकूंगा तो सीधा मैप से ही खिसका के मुझे लॉबी भेज देंगे। जैसे तैसे करके मैं अपने टीममेट को रिवाइव देने लगता हूँ, लेकिन जो सामने वाला बंदा है वो गाड़ी फोड़ने की कोशिश कर रहा है। मैं फिर भी अपने टीममेट को रिवाइव देता हूँ कि जो होगा देखा जाएगा, और वो बंदा तुम देखो लेफ्ट की तरफ आ रहा है वो। राइट वाले तो मार ही रहे थे, लेकिन ये लेफ्ट वाला कुछ ज्यादा ही कमीना था, बहुत टाइम से मुझे परेशान कर रहा था। मैं सही बता रहा हूँ, इस बंदे के नाभि में निर्मा छिड़क के लकड़ी डाल के घुमा दूंगा। ये भगवान क्या जुलूम है। राइट वाला बंदा तो अपने को मार ही रहा है, गाड़ी को डैमेज कर ही रहा है, लेकिन उससे पहले मैं मारूंगा 80 रुपए वाला देसी पौआ। अब मेरे को चढ़ गया अच्छा खासा नशा, अब देखो पूरे बंदों के साथ मैं घप घप कर दूंगा। मैं चालू करता हूँ अपना सीधा पर्सनल गाड़ी, यानी कि ये वाला, इसकी इसको ऑन करके मैं सीधा यहाँ पे आता, क्योंकि इस बंदे को मुझे पहले मारना है जिसको मैंने नॉक किया था, क्योंकि बहुत तंग किया था इसने मेरे को। और यार तुम लोग वीडियो को लाइक करो यार फटाक से, और जो भी चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करो, और कमेंट करो कम से कम 300 कमेंट करो, जिस कमेंट को देख के मेरे को हौसला बढ़ जाए और मैं दुनिया की ऐसी की तैसी कर दूं। मगर क्यों? अब तुम लोग कहोगे अबे दुनिया वाले ने तेरा क्या बिगाड़ा है साले। अरे कुछ नहीं बिगाड़ा भाई, बस कमेंट्री बन रहा था तो बोल दिया। अब यहाँ पर भी बंदे होते हैं, जो राइट वाला उसको मेरा टीममेट मार देता है, तो उसके बाद हम सीधा आते हैं अपार्टमेंट। और यहाँ जैसे ही आते हैं देखो भाई, तुम फुट स्टेप सुनो कितने सारे बंदे हैं। हमने सोचा था एक बंदा होगा, तो जैसा कि फलाना कह रहा है हमने बिल्कुल वही सोचा था कि एक बंदा होगा, लेकिन भाई ये तो पूरे के पूरे 4 बंदे हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। लेकिन मैं सोचता हूँ चलो इनके ऊपर एक टिकटॉकर की गोटी फेंक के मारते हैं, साले क्रिंज तरीके से मरेंगे। लेकिन यहाँ देखो, चाय पियोगे पापे खाओगे। एक बंदा पीछे से आया,
किल फीड में तुम देख लो, ये पहले मेरे नेट से ही मरा है, तो मेरा नेट तो एकदम आईक्यू वाला बम था जिसके चलते ये निपट गया भाई। क्या ही बम मारा था, तो उसके लिए 5-6 सब्सक्राइब कर दो। हलवाई क्या? इन लोगों को मार के हम चले जाते हैं ऊपर, यानी कि अब एडवांटेज जो था वो हमारे पास था। लेकिन भाई दिक्कत पता है क्या है, हम सोच रहे थे यहाँ पर एक के बजाय 4 बंदे हैं, लेकिन 4 के बजाय 8 बंदे होते हैं। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो थोड़ी देर रुक जाओ, तुम मैप में देखो, अभी एक ही बंदे की फुट स्टेप आ रही है और मेरा टीममेट थोड़ा डेढ़ साढ़ा बनता है, ट्रिक लगा के जाता है खिड़कियों से उसको मारने के लिए। और तुम देखो वो ट्रिक तो बिल्कुल सही लगाता है, बढ़िया एक बंदे को मार भी देता है, मैं भी खुश हो जाता हूँ। अरे बाप रे, तभी बस हवा निकल गई। तो जैसा कि मेरा टीममेट ने समझा वो एक है, लेकिन चारों कोने पे एक एक बंदा बैठा हुआ है और मेरे टीममेट का पूरा भाजी पाव बना दिया। और तभी ना मैं नेट मारता हूँ और एक फुट स्टेप आती है मेरे को, लेकिन वो होता है बोट। तुम लोग सोच रहे होंगे अबे बोट को भी क्यों नहीं मारा, अरे भाई डर के मारे उसके ऊपर मेरा एम नहीं लगा। मैं क्या करता हूँ, सीधा भागता हूँ नीचे और मैं सोचता हूँ चलो अब गाड़ी लेके हम भागने, पहले रिकॉल करने अपने टीममेट को, क्योंकि भाई ऐसे खतरनाक मौके पे यही सही होता है कि अपने कदम पीछे ले लो, अपने टीममेट को रिकॉल दे दो, क्योंकि अगर तुम मरोगे तो कम से कम तुम्हारा टीममेट रिकॉल के लिए तो रहेगा या रिवाइव के लिए तो रहेगा। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मैं सीधा सामने वाले रिकॉल पे अपने टीममेट को फोन करके बुलाऊंगा और उधर फोन करते टाइम कोई कस्टमर केयर वाला आ गई तो उसके पटाके मैं उसको भाग जाऊंगा, मेरे टीममेट को छोड़ के बंदे भी भाड़ में जाए उसको लेके भाग जाऊंगा। राजा जी, लेकिन मेरे टीममेट को जो मैंने रिकॉल करने आया हूँ, ये बहुत ज्यादा दगा दिया इस बंदे ने, मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये बहुत बड़ा दगा होता है। मैंने उसको रिकॉल किया, मैंने सोचा वो आएगा और अगर मैं नॉक होऊंगा या फिर कुछ भी मरूंगा तो वो मेरे को रिकॉल देगा, रिवाइव देगा, लेकिन साला फिर से वहीं पे चला गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मेरे टीममेट ने, मेरे फलाना ने मुझे धोखा दिया है ना। मैं तुमको इसकी एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, पता है तुमको क्या, मेरा टीममेट अपने पिछवाड़े में दबा के मोली फोड़ देता है। खैर कोई बात नहीं दोस्तों, ये तो है जिंदगी का एक पार्ट। तो मैं सीधा गाड़ी उठा के फिर से निकल लेता हूँ अपार्टमेंट। अब यहाँ आने के बाद और ज्यादा बंदे आ जाए होते हैं, तुम मैप में देखो कितने सारे फुट स्टेप आ रहे हैं, मैं एक नेट भी मारता हूँ, हम इनके ऊपर रश कर सकते हैं। लेकिन दो स्क्वाड है, एक बगल वाले पे और एक इसमें, और सामने वाले भी एक दो बंदे इसमें आ चुके हैं, तो इसीलिए मैं यहीं पे रहता हूँ क्योंकि ये जगह परफेक्ट था। ठीक है समरिया, अब अगर तुमने मेरे टीममेट के ऊपर ध्यान दिया होगा तो सीढ़ी के पास वो फिर से टिप्स एंड ट्रिक्स लगाने की कोशिश कर रहा है, अपना आईक्यू लगाने की कोशिश कर रहा है, और एक बार फिर से वो मरने वाला है। ये देखो लानत है, उसके ऊपर मौली बम गन वन सब चीज मार दिया बंदों ने, और तुम ये देखो उसकी पेटी कितने सारे बंदे लूटने के लिए आते हैं। मैं तो डर के मारे यहाँ से खिसकता भी नहीं भाई। तो बुझ जा, कलच हो जाएगा तेरा। तुम्हारा टीममेट भी मरने के बाद ऐसा बोलता होगा, मतलब यार ये बंदा मर गया, एक और बार मर गया, लेकिन अभी भी मेरे को ज्ञान दे रहा है कि रस कर दे क्लच वलच हो जाएगा। ओ माय गॉड, इतना बड़ा ज्ञान मैं कहाँ पे रखूंगा। हाँ। लेकिन आखिरकार ना एक टाइम पे आके मैं भी थक जाता हूँ भाई, तो मैं जाने लगता हूँ। लेकिन तुमने देखा होगा उन लोगों ने सीढ़ी को ब्लॉक करके रखा है, ये देखो मैं जा ही नहीं सकता, तुम देख रहे हो इनकी कैंपिंग लेवल, मानना पड़ेगा। और जो एक स्क्वाड और था वो गाड़ी लेके भाग गया उधर की तरफ, अब मैं बचा हूँ अकेला और ऊपर पूरा एक स्क्वाड। तो यहाँ पर ना मैं एक ट्रिक लगाने की सोचता हूँ, कैसी ट्रिक, मैं निकालता हूँ सीधा स्नोगन और यहाँ पे मारता हूँ 3 बार। और ये चीज तुम भी कर सकते हो अगर ऊपर हार्ड कैंपिंग लग रही है तो। देखो कुछ इस तरीके से मैंने मारा, यहाँ पर इसकी ऑन करके जाऊंगा, जंप दबाता रहूंगा। चलो इस बार तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, एक बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, दोबारा ट्राई करेंगे, एक बार फिर से जाता हूँ और इस बार देखो हो गया। दो बार मारी देंगे तुम ये। और जो मैंने इसको मारा है ना भाई साहब, इन लोगों को जो मैंने मारा है, ऐसी कैंपिंग करना ये लोग भूल जाएंगे, कसम से बता रहा हूँ, डर गए होंगे। एकदम से मैं प्रकट हो गया, ये लोग तो डर के मारे अपने छाती से मुद दिए होंगे। और कौन बनते हैं मेरे टिप्स एंड ट्रिक्स वाली वीडियो पे कमेंट करते हैं कि ये टिप्स एंड ट्रिक्स कोई काम के नहीं है, ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, यही ट्रिक मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो पे, और देखो इसी से मैंने 3 बंदे पेल दिए। फिलहाल ये सब छोड़ो दोस्तों, हम आ गए रेंडियर लेके यहाँ पर, देखो ब्रिज कैंपिंग चल रही थी तो यहाँ पे आता हूँ, तभी मुझे एक बंदा दिखता है, वो देखो उकड़ू बैठा है। तुमने समझा नहीं, तुम समझे क्या वो उकड़ू बैठ के क्या कर रहा था? अरे मैं बताता हूँ, जस्ट अपने हाथ को थोड़ा सा नीचे करके आगे पीछे कर रहा था। तू समझा नहीं, तू समझा नहीं। यहाँ पर ना अब एक और गाड़ी आ जाती है, ये देखो, अब मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि लेफ्ट राइट और आगे के साइड बंदे थे। पहली फायरिंग में तो मैं रुक गया था क्योंकि मुझे लगा कि वो नॉक हो गया, लेकिन दूसरी बारी में तो नॉक कर ही दिया।
सुकन्या। अब इसका टीममेट मुझे उधर से मार रहा है, ब्रिज वाला बंदा मुझे ब्रिज की तरफ से मार रहा है, और जो मैंने अभी अभी पिछले बार ही नॉक किया था वो बंदा भी रिवाइव हो गया, वो भी मुझे मार रहे हैं। देखो स्मोक कर चुके हैं, तो मैं भी यहाँ पर स्मोक करता हूँ और सोचता हूँ कि यहाँ से पहले निकल जाता हूँ, जोन में चलता हूँ। और मैं यहाँ पे सोचता हूँ कि एक स्मोक से क्या होगा, चलो जितने स्मोक है सारे फैला देते हैं। तो यहाँ पे आके मैं एक और स्मोक कर देता हूँ, और वो देखो वो बंदा मेरे ऊपर आ रहे हैं, यानी कि रश कर रहे हैं। मैं भागने लगता हूँ इधर की तरफ, और तभी तो आज की गेम प्ले हम यहीं पे एंड करते हैं। मुझे पता है कि एंडिंग उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन क्या ही कर सकते हैं दोस्तों, सब किस्मत की बात है। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बताना उनको मेरे बारे में ताकि हमारा भी थोड़ा व्यूज बढ़ जाए, ठीक है। ये रहा मेरा इंस्टाग्राम, यहाँ पे आके तुम उसको मैसेज कर सकते हो, इसका लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, तो जल्दी से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। मैं मिलता हूँ तुमको अगली वाली वीडियो में, तब तक के लिए ठोकते रहो।